तो फाइनली आज का सबसे बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अदानी ग्रुप के तरफ से गौतम अदानी जी अभी वोडाफोन आइडिया का स्टेक खरीदने के लिए 99.99% राजी हो गया है। जिधर दोस्तों खैर दोस्तों आप जानते हैं कि रतन टाटा जी जो टाटा ग्रुप का सीईओ है वो भी चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया का स्टेक खरीदे, और इधर अदानी ग्रुप के तरफ से गौतम अदानी जी भी वोडाफोन आइडिया का स्टेक खरीदने के लिए बिल्कुल राजी है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपनी टाटा के तरफ से तो खैर आप जानते हो टाटा डोकोमो टाटा इंडिकॉम था, 3G मार्केट में था, बाद में जाके वो शट डाउन हो गया। लेकिन दोस्तों जो अदानी ग्रुप है फिलहाल वो 5G नेटवर्क के अंदर भी घुसना चाहते हैं। और दोस्तों ये भी आप जानते हो कि अदानी ग्रुप के तरफ से जो गौतम अदानी है उसके साथ मुकेश अंबानी जी का बहुत ही बड़ी टेक का होता है, वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हो जाए, सैनिटरी सेक्टर में हो जाए, जो भी हो जाए, कोल सेक्टर में हो जाए, ऐसा बहुत ही बढ़िया टेक का एक दूसरे के साथ होता है। और दोस्तों इधर ही गौतम अदानी जी भी अप्रोच किया कि वो भी 5G नेटवर्क को लेकर इंडिया में घुसेगा और इंडिया में मार्केट करेगा, और इसके लिए चाहिए स्टेक। और अभी वोडाफोन आइडिया एक सबसे बढ़िया प्लेस है जिसका स्टेक लेके वो आसानी से इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर घुस सकता है, और इसका एक बढ़िया अपडेट आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों खैर आप जानते हो कि रतन टाटा जी के तरफ से वोडाफोन आइडिया का 27% स्टेक खरीदने के बारे में रतन टाटा जी ने सोच रहा था, और ये सोर्सेस न्यूज आ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के तरफ से। और दोस्तों आज इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़ के हर एक सोर्स से ये रिपोर्ट निकल के आते हैं कि गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप का सीईओ है वो फिलहाल आइडिया का 27% स्टेक खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों इधर वोडाफोन पीएलसी का जिसके पास अभी लगभग 45% का स्टेक है, और दोस्तों वोडाफोन पीएलसी भी खुद अदानी को अप्रोच किया कि वो भी उसका 45% का स्टेक इधर दे देना चाहते हैं। मतलब वोडाफोन का लगभग 45% का स्टेक प्लस आइडिया का 27% का स्टेक एक साथ मिल जाए तो मतलब अदानी इसको ले ले तो मतलब इंडिया में वो तो राज करेगा और वोडाफोन आइडिया भी आसानी से सेव हो जाएगा। और इधर दोस्तों अदानी का सबसे मौका यही है कि वोडाफोन भी उसका 45% का स्टेक दे दे और आइडिया भी उसका 27% का स्टेक दे दे तो मतलब वोडाफोन और आइडिया का जो एक तरफा अलग अलग नेटवर्क था वो दोनों नेटवर्क एक साथ अदानी ग्रुप की तरफ से आ जाएगा, और अदानी ग्रुप इस नेटवर्क को यूज करके 5G आसानी से इधर रोल आउट करेगा। क्योंकि वोडाफोन आइडिया फिलहाल 5G के ऊपर थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है और उसका 4G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है, और गीगानेट भी वो इधर रोल आउट करने के लिए सोच रहा था। खैर दोस्तों बहुत सारे जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया का तो गीगानेट है, लेकिन दोस्तों जिधर गीगानेट है उधर तो आसानी हो जाएगा अदानी जी का, मतलब गौतम अदानी जी का तो आसानी हो जाएगा 5G आसानी से रोल आउट करने के लिए। और दोस्तों इधर गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप का सीईओ है वो भी चाहते हैं कि 5G सेक्टर के अंदर अदानी भी आए और जियो को कड़ी टिक्का दे। और दोस्तों इधर खैर आप ये भी जान लीजिएगा कि जियो का जो सीईओ है मुकेश अंबानी उसके साथ गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप का सीईओ है उसका बहुत ही बढ़िया बिजनेस में टक्कर होता है हर एक सेक्टर के अंदर। और दोस्तों इधर मुकेश अंबानी जी फिलहाल उसका जियो लेके इंडिया में घुस गया और अदानी भी बिल्कुल पीछे रहना नहीं चाहते, अदानी भी चाहते हैं कि उसका नेटवर्क भी इंडिया में लॉन्च हो ताकि वो जियो के साथ एयरटेल के साथ आसानी से बीट कर पाए। और दोस्तों यही सच हो जाए मतलब वोडाफोन और आइडिया का, वोडाफोन का 45% स्टेक और आइडिया का 27% स्टेक एक साथ गौतम अदानी जी ले ले तो मतलब कमाल का बात हो जाएगा। इधर दोस्तों आप बता दीजिए आपको क्या लगता है कि वोडाफोन और आइडिया मिलके उसका शेयर रतन टाटा को देगा या फिर गौतम अदानी को देगा या फिर सरकारी कंपनी BSNL को देगा, मतलब वोडाफोन आइडिया BSNL मर्जा हो जाएगा, क्या लगता है आपको कमेंट्स में मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।